सतना जिले के मैहर में एक 12 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने तहसील के बाबू को 1500 रुपए की रिश्वत लेने के एवज में ट्रैप किया है। दरअसल प्लॉट के नामांतरण के एवज में बाबू के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। इस मामले में आरोपी विनोद कुमार सोनी को जैसे ही शिकायतकर्ता पर शंका हुई, वह 1500 रुपए की रिश्वत लेकर तहसील कार्यालय के अंदर से दीवार फांदकर फरार हो गया। अब उसकी तलाश की जा रही है। दरअसल मामला मैहर के ग्राम सोमबारी का है, जहां पर शिकायतकर्ता राम नारायण स्वामी के द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई थी। उसका नामांतरण करवाने के एवज में लिपिक द्वारा 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। लिपिक को जैसे ही इस बात पर संदेह हुआ कि लोकायुक्त की टीम ने उसे घेर लिया है, वह दीवार फांद कर फरार हो गया। हालांकि लोकायुक्त रीवा की टीम ने उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। TI प्रमेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। ये एक शिकायतकर्ता हैं श्री नारायण सोनी, इनके सुपुत्र हैं सत्यव्रत सोनी। इन्होंने उनके नाम से कोई प्लाट खरीदा था और उसका नामांतरण की कार्रवाई यहाँ पे उसने आवेदन लगाया हुआ था। उस नामांतरण करने के एवज में यहाँ पे जो बाबू हैं तहसीलदार साहब के, श्री विनोद कुमार गुप्ता, वो इनसे पैसों की अवैध मांग कर रहे थे, रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की उन्होंने नारायण सोनी ने 28 तारीख को शिकायत की थी। इस बात का पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गोपाल धाकड़ साहब ने इस बात का सत्यापन कराया, जिसमें यह बात स्पष्ट पाई गई कि वास्तविकता में विनोद कुमार गुप्ता रिश्वत की मांग कर रहे हैं। 28 तारीख को सत्यापन हुआ था। 28 तारीख को उसने 500 रुपये उससे उसी वक्त बातचीत के दौरान ले लिए, और क्योंकि वो कह रहा था अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, तो उसने 500 दे दिया और 1500 रुपये उसने और मांगा था। आज उसको देने के लिए आए, कल भी हम आए थे, कल भी उसको कुछ शंका हो गई थी, शायद उसका एक केस और पहले भी चल रहा है, मझगवा में भी ट्रेप हुए थे रिश्वत लेते हुए, तो वो शायद हमारे किसी स्टाफ को पहचान गया कि लोकायत घूम रही है, इसलिए उस दिन कल भी पैसा नहीं लिया था। ये बात आज हमें यहाँ पे क्लियर हुई है, और आज भी हम जब आए तो उसको ये यकीन हो गया था कल भी लोकायत आई थी, आज भी ये पैसा देने आया है। तो आते जैसे ही आया है तो उसको पैसे देने लगा कि मेरा काम कर दो, या आपने जो पैसा 1500 मांगे थे ले लो, तो उसने तत्काल वो पैसा लेके भाग गया है। इसमें विवेचना की जा रही है, जो तथ्य आएंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, आरोपी की तलाश की जा रही है।